ये किन लोगों की बस्ती है ऐ खुदा, जो दूसरों की बेटी के लिए सोने का ताज बनाते हैं और अपनी बेटी को जंजीरों के जंगल में दे आते हैं। जो दूसरों की बेटी का तो तारीखी इस्तकबाल करेंगे पर अपनी बेटी की आबरू बेच आए हैं। ये कैसे लोग हैं परवरदिगार, जिन्हें भाभी के इस्तकबाल के लिए भंगड़े डालने हैं। पर बहन की जिंदा लाश का कफन तक नहीं देते, इसे बेआबरू छोड़ देते हैं। मेरे मौला, क्या ये मेरी ही बस्ती है? आज का हमारा टॉपिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एंड मिसिंग पीपल इन पाकिस्तान, उस पर भी हम बात करेंगे। आफिया सिद्दीकी के बारे में बताना चाहूँगा, 2003 को ये कराची से गायब हुई और उसके 5 साल तक इनका कोई पता नहीं था, 5 साल तक लापता थी। उसके बाद जुलाई 2008 में ये दावा किया गया कि आफिया को अफगानिस्तान के प्रोविंस गंजी से अरेस्ट किया है और अब ये केस इनका अदालत में है, न्यूयॉर्क में है। इस वक्त 6 मई जो थी वो डेट थी जिसमें सुनाया जाएगा, ट्रायल इनका शुरू हो चुका हुआ है और अब वो डेट जो है जुलाई 15 दे दी गई है। मैं अपने मेहमानों को तारुफ करता हूँ। मेरे पहले मेहमान ताहा अहमद आई टी कंसल्टेंट है, टीम वो के लिए काम करते हैं। मेरी दूसरे मेहमान सबरा चीमा, सबरा चीमा मास्टर्स कर रही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और मेरे तीसरे मेहमान जहाज़ हानफी ने बैचलर्स किया है अकाउंटिंग में और CPA की तैयारी कर रहे हैं। मेरे तीनों मेहमानों का शुक्रिया। ताहा, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा, आफिया सिद्दीकी के खिलाफ जो अमरीकी अदालत ने केस किया, ये जो भी जो फरवरी 3rd से तकरीबन शुरू हुआ, ये फैसला कानूनी है या सियासी है? मेरे ज़ाती ख्याल में ये फैसला अमेरिकन पर्सपेक्टिव से कानूनी है और अगर आप इसको ओवरऑल एक ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट्स डेफिनेटली अ पॉलिटिकल डिसीजन और सियासी इस हद तक है कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका नाम है ब्रूस हॉफमैन। ही एक्चुअली सेड दैट यू नो दे डिड नॉट even need to include any variables in it. This is a simple murder case or attempted murder case. So this was very straightforward. Jisko unhone kanuni case bana diya tha aur America mein trial hua phir iska. Sabra, ye kanuni hai ya siyasi hai? सियासी है, क्योंकि अगर कानूनी होता तो वो 5 साल तक मिसिंग थी। ये कि इसमें तो हमें फैक्ट्स क्या, एक सिंपल कॉमन सेंस की ज़रूरत है। एक बंदा 5 साल तक मिसिंग है और आप 5 साल के बाद उसको बताया जाता है कि अच्छा इसने ये किया, उसके बच्चों के साथ वो उसको उठाया गया था, वो जहाँ भी थी, शी जस्ट वेंट मिसिंग विद हर 3 kids और 5 साल तक उनका कोई पता नहीं था किसी को वो कहाँ है। और अब ये कहना कि नहीं ये सियासी है या जो भी शक्ल आपने उसको देनी है, लेकिन एक कोई उसकी जो बेस थी वो केस की नहीं थी, बेस बाद में बनाई गई, पहले बंदा उठाया गया। जहाज़ भी हाँ, मेरा सवाल आपसे यह है कि अमरीकी अदालत ने आफिया सिद्दीकी के साथ नाइंसाफ़ी की है? जी बिल्कुल की है। अगर आप देख लें तो ना तो उनको अपना अटर्नी चूज़ करने गया, डेमोक्रेसी नाउ का मैं देख रहा था प्रोग्राम, उसमें यही डिस्कस कर रहे थे कि जब आफिया सिद्दीकी ने रिक्वेस्ट की कि मुझे अपना अटर्नी चूज़ करने के लिए एक फ़ोन बुक आप लोग दे दें, तो उनको वो तक नहीं फराहम की गई, उल्टा उनसे कहा गया कि यहाँ पे पब्लिक अटर्नी है, या तो आप इनकी सर्विसेज यूज़ करें या तो फिर आप जो है क्या नाम है अपना खुद अपना डिफेंड करें। और वो एक औरत जिसको वैसे ही इतना वो टोटली मेंटल टॉर्चर में, जो कि खुद जो अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ उन्होंने भी ये वेरीफाई किया कि शी हैज़ लॉस्ट हर सैनिटी, शी इज़ इन नो कंडीशन टू डिफेंड हर सेल्फ, उसको आप इस तरह करना कि उसको आप एक सिंपल सी चीज़ भी फराम नहीं कर रहे, तो फ़ोन बुक अगर ये फराम कर देते तो उनका क्या जा रहा था? ऑब्वियसली ऑलरेडी इतनी वो बेचारी डिस्टर्ब हैं, उसके बाद उनको ये कहना कि या तो आप पब्लिक अटर्नी से करें या आप खुद से डिफेंड करें, तो इट्स ओवर। लेकिन उनके तो उन्होंने लॉयर को $2 million दिया ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, तो वो तो अब हुआ सेरा, अच्छा अब हुआ यानी कि। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जो फैसला भी दिया क्या, वो जो जूरी ने जो फैसला दिया वो क्या नाइंसाफी है कि बिल्कुल ठीक फैसला उनके साथ जो हुआ? नहीं, बिल्कुल नाइंसाफी है, उनके ऊपर कोई चीज़ अभी तक साबित नहीं की इन्होंने। पिछले 2 साल से वो जेल में, उससे पहले 5 साल से लापता थी, अल्लाह आलम कहाँ थी। बहरहाल इन लोगों का कहना है कि
नहीं थी कोई, मतलब 2008 से पहले इनको कुछ नहीं इनके वेयर अबाउट्स का पता, बट अगर दो साल से उनको रखा है, कोई उनके ऊपर चीज़ साबित नहीं की है आपने, और जो आप जो उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसका भी कोई फोरेंसिक प्रूफ नहीं अभी तक मिला, अगर उन्होंने गन से शूट किया है किसी को, ना उसके कोई फिंगरप्रिंट्स हैं, हत्ता कि ये बात भी साबित नहीं हुई कि गन कहाँ गई। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें, अगर आप पूरे ट्रायल के प्रोसिक्यूशन देखें तो जो कुछ उसके अंदर किया गया है वो कानूनी एतबार से बिल्कुल ट्रू है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह कहा कि जी उनकी मेंटल हालत जो है वो बिल्कुल इस तरह बता दी गई थी कि इट्स नॉट फीजिबल फॉर अ ट्रायल, लेकिन उनके जो साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम था वो 3 times हुआ। पहली 2 times मैं मानता हूँ इस बात को कि पहली 2 टाइम जो है जो थी साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था कि शी इज़ नॉट केपेबल इनफ टू गो इन फ्रंट ऑफ द ज्यूरी, बट द 3rd time दे सेड दैट दे आर फेकिंग, शी इज़ फेकिंग द सिम्टम्स, एंड दैट्स व्हाई दे सेड के whatever, I mean, she's capable enough to go in front of the jury. लेकिन अगर वो mental अपना fake कर भी रही हैं, उनकी physical हालत जो एक दो pictures हम लोग देखते हैं, वो लगता नहीं है कि वो fake कर रही हैं really. और ये अगर 2 times उनपे साबित हुआ कि उनकी mentally she's unstable, तो तीसरी दफा करने का क्या? I have a psychology background, and I know it's not very easy for anyone to fake. हम लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो इस फील्ड में काम करें, बहुत साल पढ़ते हैं फिर जाकर वो फील्ड में आते हैं, इतना आसान नहीं है कि एक बंदा थोड़ा सा फेक करे और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी मैं अली मलिक साहब, मैं ये जरूर कहूँगा कि कानूनी एतबार से जो भी जो प्रोसेशन थी वो बाय बुक की गई है। जिस तरह आप अगर देख लिया जाए, इसको देख लिया जाए कि उनको जो है डिफेंस लॉयर दिए गए, उनको जो है उनकी सारी जो साइकोलॉजिकल एग्जाम था वो उनको दिए गए, लेकिन उनको पिक नहीं करने दिए गए। उनको देखें, उनके ऊपर आपने बेसिकली एक फोर्स किया कि आपको पब्लिक अटर्नी चूज करना है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं अपने ट्रैफिक के लिए, टिकट के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ तक, तो हम अपना अटर्नी चूज कर सकते हैं, और इतने बड़े ट्रायल के लिए उसको आप पब्लिक अटर्नी दे रहे हैं। पब्लिक अटर्नीज अगर आपको पता हो तो जो देर जस्ट आउट ऑफ लॉ स्कूल, उनका कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ऑब्वियसली उसको एटलीस्ट आप चॉइस तो दो कि अपने मर्जी। जानते भाई आप बिल्कुल सही बात करें, लेकिन द पॉइंट इज दैट दिस केस वाज बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट हैपेंड आफ्टर शी अटेम्प्टेड दैट मर्डर जो कहा गया है। और अगर इस सारे उस सर्कल को देखा जाए तो उनको पास देखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने आपको ब्रूस हॉफमैन की मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि किसी और वेरिएबल को बीच में लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इससे हम इससे जो है US गवर्नमेंट बहुत आसानी के साथ बाय बुक प्रूव कर सकती है कि दे आर शी हैज डन अटेम्प्टेड मर्डर। अगर ऐसा प्रूफ कर सकती है तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया? 2 साल US गवर्नमेंट जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को इंटरप्ट करूँगा, यहाँ पर मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, और मैं तहा आपसे करूँगा, मैं ये सवाल पूछने की जरूरत कर रहा हूँ, आप भी जरा जरूरत करके इसका जवाब दीजिएगा, हिम्मत करके जवाब दीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।